हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जब से इसकी एनबीएस की ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म स्टार्ट हुई है और उसमें एग्जाम की डेट मेंशन नहीं की, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है फॉर्म की लास्ट डेट के बाद से। तो चलिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए स्क्रीन पर, ये देखिए आपके एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है 22 मार्च से, आज की डेट से। तो जाइए फॉर्म भर दीजिए, पूरा कुछ मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था आपको कि कहाँ से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। तो वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ढेर सारी वीडियो में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। पेपर की एजेंसी चेंज हुई है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई है, एनबीएस में होम पोस्टिंग मिलती है नहीं मिलती है, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलती है, मेस हेल्पर के बारे में पूरी डिटेल है, कट ऑफ कितना गया था 2019 में, 2000 प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, है ना। ये आपके एनबीएस में एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रीवियस 2022 का कट ऑफ क्या था, मल्टीटास्किंग की जॉब है, ऑल पोस्ट के बारे में बताया था यहाँ पर, जेएसए के बारे में पूरी डिटेल दी थी क्योंकि एज अ मैं जेएसए वर्क कर चुका हूँ एनबीएस में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको प्रेपरेशन करनी है तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन 1 घंटे 19 मिनट पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करा दिखाया, ऑल 3 शिफ्ट का, 2019 का कंप्यूटर के पेपर तीनों शिफ्ट के मैंने अपेयर कराए हैं, 2022 के भी कराऊंगा, एमटीएस के, एएसओ के, बाकी अदर पोस्ट के भी जितने भी एग्जाम आपके वो जो पूरे पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, ठीक है। और टेलीग्राम को तो आपको जरूर ज्वाइन करना ही, क्योंकि यहाँ पर सारी जितनी भी अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, चैनल का नाम है द एग्जाम हेल्पर, टेलीग्राम पर जाकर सर्च मार देना, ज्वाइन हो जाओगे। इसी तरीके से द एग्जाम हेल्पर जीके भी है, वहां पर आपको जीके से रिलेटेड डाउट वगैरह यहाँ पर देखिए बहुत सारा अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह की पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए, तो देख लेते हैं आपका जो डाउट निकल कर आ रहा था कि पेपर कब तक होगा, एनबीएस की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 2024 ऑल पोस्ट के लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों बता दूं, देखिए इसकी जो ऑनलाइन करने की अप्लाई डेट है वो है 22 मार्च, आज की डेट से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके जो फॉर्म भरना चलेंगे वो चलेंगे आपके 30 अप्रैल, ठीक है। कब तक चलेंगे, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे इसके, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल के बाद से 45 दिन आप मान के चलिए, यानी कि मई और जून, मई में तो आपका एग्जाम वैसे भी नहीं होना क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगी है, ठीक है। तो मई के बाद ही जून में कहीं आपका एग्जाम होगा, मिनिमम 45 दिन, और अगर हद से हद लेंगे तो 2 महीना खेच सकता है, उससे ऊपर नहीं लेगा। तो विद इन 2 मंथ ये आपका पेपर करा लेगा, तो केवल आप 30 अप्रैल के बाद से 2 मंथ लेके चलिएगा, और आज की डेट से आप 3 3 मंथ, नहीं 3 मंथ तो ज्यादा हो जाएंगे ना, लगभग 3 मंथ मान सकते हैं ना, अप्रैल में लाके, अप्रैल के बाद 2 मंथ, तीन तीन ही मंथ मानी क्योंकि 8 10 दिन का क्या गिनना ना, तो 3 मंथ आप प्रॉपर मान सकते हैं आज की डेट से, और फॉर्म की लास्ट डेट से 2 मंथ आप मान के चलिएगा मैक्सिमम, इसके बाद आप ज्यादा समय मत लीजिएगा। तो उसी प्रकार आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए, मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जो 90 डेज के लिए रहेगी वो आपको बता दूंगा, अलग अलग जो आपके पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना भी मैंने बताया कौन कौन सी जगह मैं जुड़ा हुआ हूँ वहां से आप जुड़ जाइए, सारी कुछ अपडेट आपको देते रहूंगा, क्योंकि मैं एज ए एनबीएस में जेएसए वर्क कर चुका हूँ तो आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो चलो लाइक कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।